चलिए फ्रेंड्स, हम एसिमेट्रिक व्यू जो बनाए थे मॉर्निंग में, उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे सेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब हम देखेंगे तो हमारा होगा ऐसा होगा। देख लीजिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब करेंगे तो फ्रंट जो होगा यहाँ पे होगा, प्लेन यहाँ पे होगा और साइड है आरएचएस से लेफ्ट में जा रहा है, राइट हैंड से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट लिखेंगे या राइट लिखेंगे, आरएचएस व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, और ये हमारा 45 का। ठीक है, चलिए तो फ्रंट हम यहाँ बनता है फर्स्ट कॉर्नर में, तो फर्स्ट कॉर्नर में जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 60 है पहले, तो हम पहले 60 ले लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, ये हमारा 60 हो गया, कितना हो गया, ये हमारा 60 हो गया। तो ये फर्स्ट हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये हमने 60 ले लिया और 60 को हमने यहाँ से यहाँ डार्क लाइन कर दिया। ठीक है, ये 60 हो गया और हाइट कितना है इसका, 30 है, यहाँ पर देख रहे हैं 30, तो हाइट हमने कितना कर दिया, 30 कर दिया हाइट। ठीक है, ये हाइट मेरा 30 हो गया और ये कितना हो गया, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, तो और इसके बाद क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। और ये इसको फिर लेके जाएंगे, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा बॉक्स बन गया। इसका मतलब ये बॉक्स बन के तैयार है। इसमें क्या है, एक F1 है, F2 है। ठीक है, तो चलिए हम एक डिनोट कर देते हैं, क्या हो गया, तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, यानी कि फ्रंट मेरा बन के तैयार है। अब फ्रंट के बाद क्या करते हैं, साइड में चलते हैं। साइड हमारा कितना है, 50 है, कितना है, 50 है, तो चलिए 50 चलते हैं, 50 हो गया और इसका हट्टी हाइट कितना है, 30 है, तो 30 तो हमारे पास गिवन है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट से एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आगे की तरफ कितना है, ये 50 है और ये हाइट भी हो गया हमारा, तो इस ये नीचे का जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो डिनोट क्या करेंगे, अभी हम अभी देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 का डिफरेंस करने के लिए हमको क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये होने के बाद, ये पोर्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम 10 लेते हैं, 50 पहले हम ले लेते हैं यहाँ से हम, तो हमको एट ऑटोमेटिक एक बार में ही आ जाएगा, और ये और कितना है, ये 10 है, तो 50 है, तो 10 इधर छोड़ दिया हमने, 20 छोड़ देते हैं। ठीक है, और 10 इधर से, 10 इधर से 20, तो ये पॉइंट आ जाएगा 20 पे एगो पॉइंट और एगो 30 पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट से हम मैच कर देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट को इससे हमने मैच कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पोर्शन 10 मिल गया हमारा। ठीक है, तो इसका ये पोर्शन हमारा मिल गया, अर्थर क्या हो गया हमारा, फ्रंट तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये ऐसा करें, अब ये पोर्शन जो उठ के आएगा, ये जो कटा हुआ सेक्शन लग रहा है, ये भी तो दिखाई पड़ेगा हमको, क्योंकि जब फुल इसको सामने से जब देखेंगे तो ये टच हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन हम लेकर चलते हैं, और हमारा ये
बन के तैयार हो गया। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट, सामने में S2 यहाँ पे दिख रहा है और S1 इधर दिखेगा और ये S3 इधर दिखेगा, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है अभी। अब चलते हैं हम टॉप। टॉप क्या होता है, फ्रंट के नीचे अर्श में बनता है, ठीक है। तो टॉप चलते हैं, तो टॉप का पोर्शन क्या है आपको देख रहे हैं, ये डॉट डॉट को पहले देखना है, ठीक है। उसी बॉक्स को आपको मिला करके देख लेना कि भाई वो बॉक्स कैसा है करके, ठीक है। तो टॉप में चलते हैं, तो टॉप में एक पोर्शन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एक पोर्शन क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक पोर्शन 50, तो आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। ये पैरेलल लाइन हो गया, सॉरी, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉट डॉट करके हम चलते हैं, डॉट डॉट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा टॉप का, ये पोर्शन हो गया टॉप का बन के, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, ये पोर्शन जो 10 हमारा निकला, तो इसको हमने यहाँ पर से कर लिया, ठीक है। तो चलिए हमारा ये हो गया, अब क्या करते हैं इसको हम एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पोर्शन को क्या करते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये पोर्शन को टोटली क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी टू, ये पी थ्री हो जाएगा और ये पी वन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो शेडिंग किया यहाँ से यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, ये 45 से किया, इसके बाद ये गल गया। तो चलिए हमारा ये क्या, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बन के तैयार है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि हम इसका डायमेंशन मेंशन कर देते हैं, डायमेंशन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा बन के तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।